बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ वहाब साहिल और उम्मीद है आप सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। जो जहाँ भी रहे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, सुजुकी बोलान GLV XR। तो भाई मेरे AC CNG कंपनी अवेलेबल है। तो ये खाली साइड आपको नज़र आ रहा होगा, तो खाली साइड के लोकेशन से गाड़ी बिल्कुल ओके है और 2008 का ये मॉडल है मेरे भाई। तो गाड़ी कलर वाइज बिल्कुल ओके है, जेन्युइन कलर है, हल्का पुल्का अगर टचिंग इसके ऊपर हुआ है, बाकी कलर इसका बिल्कुल क्लियर और ओके कलर है। तो ये इसका ड्राइवर साइड है मेरे भाई। तो ड्राइवर साइड की लोकेशन से भी गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त और ओके है। गाड़ी में कोई काम वगैरह नहीं है मेरे भाई। गाड़ी आगे से, पीछे से, मेन शो से, दोनों साइडों से क्लियर और ओके है। आगे और पीछे इसके अपने जेन्युइन बम्पर लगे हुए हैं। जेन्युइन बम्पर के ऊपर स्टील का बम्पर लगा हुआ है। हेडलाइट के ऊपर जो प्लास्टिक कवर है ये इसका जेन्युइन लगा हुआ है मेरे भाई। जो पीछे की बत्तियां हैं ये इसके अपनी जेन्युइन लगी हुई है। तो भाई मेरे आगे से और पीछे से गाड़ी बिल्कुल ओके और परफेक्ट गाड़ी है, कोई काम इस गाड़ी में नहीं है। तो ये इसका बैक साइड है मेरे भाई। तो बैक साइड की लोकेशन से भी गाड़ी बिल्कुल ओके और ज़बरदस्त गाड़ी है। तो भाई मेरे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो, कोई दाग धब्बा खराश इसके ऊपर नहीं है। तो ये आप बैक साइड से देख सकते हो इसको और ड्राइवर साइड की लोकेशन भी आप देख सकते हो। तो छत वाइज भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है और गाड़ी में कोई काम वगैरह नहीं है मेरे भाई। तो ये इसका पीछे बैक साइड आपको CNG की टेंकी नज़र आ रही होगी। तो भाई ये कंपनी अवेलेबल है और CNG इसमें ऑन है, इंस्टॉल है CNG। तो AC भी इसके अंदर ऑन और इंस्टॉल्ड है, कंपनी फिटिंग है। ये इसके टायर हैं मेरे भाई। तो टायर के लिहाज से भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर और ओके है। चारों के चारों टायर इसके बिल्कुल न्यू और रिम के साथ हैं मेरे भाई। अगर इसकी मालगाट की बात की जाए तो मालगाट के ऊपर कोई जंग वगैरह, कोई खराश, कोई दाग धब्बा नहीं है। मालगाट भी इसके बिल्कुल क्लियर और ओके मालगाट है। तो चलते हैं इंजन रूम की तरफ। तो ये इसका इंजन रूम है मेरे भाई। तो इंजन रूम से भी गाड़ी बिल्कुल ओके है और गियर भी इसका बिल्कुल ओके है। इंजन इसका बिल्कुल परफेक्ट और ओके है। तो भाई इंजन वाइज और गियर वाइज भी गाड़ी में कोई काम नहीं है। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो साफ़ सुथरा बिल्कुल इसका इंजन है, रेडिएटर जाली। तो भाई मेरे जनरेटर बिल्कुल हर चीज़ इसकी वर्किंग में है और बिल्कुल ओके है। तो ये इसका इंटीरियर है मेरे भाई। डैशबोर्ड साफ़ सुथरा इसका डैशबोर्ड है और साफ़ सुथरे इसके सीट है मेरे भाई। तो सीट के ऊपर कुशन कपड़ा चढ़ा हुआ है। इंटीरियर इसके बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि पूरी गाड़ी आपको नज़र आए। तो जिस भाई को ये ज़रूरत हो, पसंद हो, तो भाई मेरे लोकेशन इसकी क्लिफ्टन कराची की है और डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिए, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर रब्ता कर सकते हो। तो भाई गाड़ी की डिमांड है 6,65,000 रुपये। तो 6,65,000 गाड़ी की डिमांड है। जिस भाई को ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन पर जाकर रब्ता कर सकते हो, तो कमी बेशी हो जाएगी मेरे भाई। तो ये इसके सीट है आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये आगे के सीट, पीछे की सीट, MP3 सिस्टम, बपर वगैरह इसके अंदर लगा हुआ है। तो MP3 सिस्टम भी इसका ऑन है मेरे भाई और बिल्कुल वर्किंग में है। तो चलते हैं इसकी छत की साइड पर। तो ये इसका छत है मेरे भाई। तो छत भी इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई मेरे छत वाइज भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और AC की जाली भी अभी आपको नज़र आ जाएगी। तो ये इसकी AC की जाली है मेरे भाई। तो AC भी इसका वर्किंग में है और कंपनी फिटिंग है मेरे भाई। तो AC और CNG कंपनी फिटिंग में है और बिल्कुल ओके गाड़ी है, कोई काम इसमें नहीं है। कराची की लोकेशन है और 6,65,000 इसकी डिमांड है। तो फ़ोन करना आपका काम है, गाड़ी बताना हमारा मकसद। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।